देखिए, मैं ये बात कई बार कहा है कि देश में कोई वैक्सीन की कमी नहीं है। भारत सरकार सभी स्टेट्स को वैक्सीन देती है। आगे वैक्सीन को अपने अपने प्रदेशों में जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पर समयबद्ध तरीके से पर्याप्त मात्रा में पहुंचाना, उसको मॉनिटर करना, उसकी मेटिकुलस प्लानिंग कराना, ये जिम्मेदारी स्टेट्स की है। एक आदमी सवाल सर रेमडेसिविर की यूज को लेकर, क्योंकि उसको लेकर के अभी भी स्थिति बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। देखिए, भारत सरकार ने रेमडेसिविर की जो कमी है वो इसलिए शुरुआत में हुई क्योंकि जो 7 कंपनियां इसको बनाती थी और जब केसेस कम हो गए तो उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन है उसको भी कम कर दिया और उसको बनाने के अंदर जो है और जो उसकी पूरी प्रक्रिया है उसके अंदर भी जो है एक समय लगता है 3-4 हफ्ते का। लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी, हमारे जो ड्रग कंट्रोलर हैं उन्होंने भी और हमारे फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने, मंत्री ने, सबने संबंधित जितनी कंपनियां हैं उनके साथ मीटिंग्स करके और रेमडेसिविर को बड़े पैमाने पर उसका प्रोडक्शन दोबारा से स्ट्रेंथन हो इसके लिए भी बहुत तेजी से एक्टिविटीज की हैं। और जहां कहीं भी इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं कि कोई रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने का प्रयास कर रहा है उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने आदेश भी किए हैं और स्टेट के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स को इसके बारे में बराबर, जिसे कहते हैं, आग्रह पूर्वक चेतावनी दी जा रही है कि आप इसको अपने अपने स्टेट्स में कंट्रोल करिए और जो लोग गलत तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लोगों को परेशानी पहुंचा रहे हैं, आर्टिफिशियल कमी क्रिएट कर रहे हैं या दवा का अनाप शनाप दाम ले रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।